सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। पहले हम शुरू से ही मायावती को देखते आ रहे हैं, इस बार हम चंद्रशेखर को सहयोग कर रहे हैं। पहले से पुरानी पार्टी बहन जी हमारी, उसी को सपोर्ट करेगा जी हम तो। ये तो आजाद समाज को कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ जी, तो समाज में क्या बिखराव हो रहा है क्या वोटों को लेकर? ये तो होता ही रहे जी, हर साल हर चुनाव में होता रहे, कोई किसी को जाएगा कोई किसी को जाएगा। भाई हमने नु बदली मायावती जब बोली नहीं मारे मारे भाई मारी खातर बोलनी नहीं, चुप बैठी बेचारी, बस उसे वो है नुको कह दी मैं पीस जाऊं। लेकिन कार्यकाल कैसे रहे मुख्यमंत्री के? भाई सुनो, वैसे तो सही है मगर गरीब के बारे में इनकी सोचने की शक्ति खत्म है। किसी तरह का भी गरीबी आदमी को सिर्फ क्या है, 5 किलो यो अनाज दे दो और अंको पट्टी बांध दो गरीब की, और कुछ नहीं हमारे लिए। यो शख्स ऐसा आया सामने कि वो हिंदू हो मुसलमान जाट कोई भी हो, जिस पे भी अत्याचार होता हो वो तुरंत वहाँ जाता है। चंद्रशेखर जी बस सरकारी नौकरी मिल जाती पहले, मारा नंबर पर जाता आरक्षण मारे कार्ड से जा रहे, कार्ड से जा रहे मेरे छोड़ रखा क्या, लेकिन हमारा कार्ड को रुक लग रहे। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही क्या मजदूरी में बढ़ोतरी हो रही इस तरीके से? नहीं नहीं, मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं, मजदूरी वहीं की वहीं है अभी। अच्छा, सरकार कहती है कि मजदूरों के लिए हम जो है आयुष्मान कार्ड बना रहे, लेबर कार्ड बना रहे, राशन फ्री दे रहे, मकान दे रहे, तो क्या सुविधा मिल पा रही है वो सब चीज़ें? कोई सुविधा नहीं जी मिली हमें तो। अच्छा जी, अगर उसके वो अपने बाद आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, क्या समाज फिर उस तरफ चला जाएगा? हाँ चला चला जाएगा, जाना क्यों नहीं। अच्छा। बाप भगा अगर बिगड़ कर सुधर जा तो फिर भी बाप किधर चले जा। अब तक लोगों में यह है कि 11 तारीख तक देखना है कि क्या है। मुस्लिम समाज में जितनी भी मीटिंग चल रही है, चाहे वो झोजा बिरादरी हो, अंसारी हो, कुरेशी हो, तो उनमें यह है कि हमें 11 तारीख तक देखना है कि किधर रुझान है। सीसी में आप सभी का स्वागत है। हम अभी मीरापुर विधानसभा में है, मीरापुर विधानसभा में रुड़कली और फतेहअली गाँव में है। फतेहअली गाँव में हम जो है दलित समाज के बीच में है। मीरापुर में उपचुनाव होने जा रहे हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे, यहाँ से जो है विधायक जो थे चंदन सिंह चौहान जी थे मीरापुर से, लेकिन 2024 से बिजनौर से वो लोकसभा सांसद बन चुके हैं, जिसके बाद ये सीट खाली हो चुकी है और इस पर उपचुनाव होना है। प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से सुंबुल राणा जो कि कादिर राणा की पुत्रवधु है, वहीं आरएलडी और एनडीए गठबंधन से बीजेपी गठबंधन से मिथिलेश पाल जी चुनाव मैदान में है, और आज़ाद समाज पार्टी से जाहिद जो है यहाँ पर चुनावी मैदान में है। हम अभी दलित समाज के बीच में है, तो जानते हैं कि इस बार जो है चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है, उनका क्या मानना है। जी नमस्कार जी, बोलो बोलो बोलो। हाँ जी, हमारा तो यही है क्या अपना वो है, हमारा तो चंद्रशेखर, हम तो चंद्रशेखर को ही वोट देंगे जी। आपका नाम? मेरा नाम नौबार है जी। अच्छा, ऐसा क्यों चंद्रशेखर की तरफ को क्यों एकदम रुझान बना लिया? हमारी तो पार्टी यही चंद्रशेखर, पार्टी तो बीएसपी भी है, काफी संघर्ष किया है उन्होंने। बीएसपी पहली, बीएसपी भी हमारी है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इस बार क्यों बस बहन जी को वोट नहीं दे रहे? बस वो दिखड़ती नहीं हमारी सीट। अच्छा अच्छा, वो है नहीं तो पहले हम शुरू से ही मायावती को देखते आ रहे हैं, इस बार हम चंद्रशेखर को सहयोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर को क्यों पसंद कर रहे हो आप, ऐसे क्या खास बात लगी? चलो जो भी है हमारी पसंद आ रहा। अच्छा, पसंद आ रहा बस, बिरादरी है नहीं, बिरादरी तो अपनी है, वो भी बिरादरी है, ये भी अपनी बिरादरी, ये हर समाज में हमारे तैयार है। अच्छा, भाजपा भी है मैदान में और जो है समाजवादी पार्टी भी है, और अगर समाजवादी देने के तो अच्छा, लेकिन रालोद भी है, रालोद ने आपका प्रत्याशी मंत्री भी बनाया हुआ है अनिल कुमार जी, उनका कितना प्रभाव है इस क्षेत्र में? प्रभाव तो है, थोड़ा घना ही होगा, 19-20 ही, ज्यादा नहीं। ज्यादा चंद्रशेखर की तरफ ज्यादा रुझान जो है नजर आ रहा है। ठीक है जी, नमस्कार जी। हाँ जी जी, आपका नाम? संजीव कुमार। अच्छा संजीव जी, चुनाव आ रहे तो क्या देख रहा है इस बार दलित समाज? दलित समाज बीएसपी हो जाएगा जी। अच्छा, बिल्कुल पक्की बात है, ये तो कह रहे हमारे साथ है। अच्छा, पहले से पुरानी पार्टी बहन जी हमारी, उसी को सपोर्ट करेगा जी हम तो। ये तो आजाद समाज को कुछ भी नहीं। अच्छा हाँ जी, तो समाज में क्या बिखराव हो रहा है क्या वोटों को लेकर? ये तो होता ही रहे जी, हर साल हर चुनाव में होता रहे, कोई किसी को जाएगा कोई किसी को जाएगा। बीएसपी को सपोर्ट करेगा जी हम तो। अच्छा हाँ जी, तो क्या अच्छा लग रहा है बहन जी का आपका? बहन जी पुरानी पार्टी है हमारी, दलितों की बहुत पुरानी पार्टी, 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी वो, कोई 4 बार कोई अभी तक मुख्यमंत्री बना किसी समाज के लिए, वो तो आवाज़ उठाने वाली पार्टी है हमारी बीएसपी, यही है जी। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं
कि भाई बहन जी अब जो है बाहर नहीं आ रही, कुछ बोल नहीं रही, समाज के साथ अत्याचार हो रहा, तो कुछ वो रैलियां नहीं कर रही, बहुत कम जो है घर से बाहर निकल कम निकल रही, तो इतना कम क्यों बाहर आ रही है चुनाव में? और उपचुनाव कभी लड़ते भी नहीं थी बहन जी, इस बार लड़ रही है उपचुनाव, ऐसा क्यों? चुनाव तो देखो जो है वो तो समय जब चुनाव होगा तब पता चलेगा इस चीज़ का ले। पुरानी पार्टी हमारी बहन जी की, बहन जी को सपोर्ट करेंगे हम लोग तो। अच्छा, सपोर्ट। हाँ जी हाँ, बहन जी का संघर्ष याद है। हाँ जी याद है जी। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी भैया जी। नमस्कार भाई जी, आपका नाम? मिंटू कुमार। अच्छा, क्या कह रहे हैं? हाँ तो एक भाई तो कह रहे हैं जी भाई हम चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं, कह रहे बहन जी की तरफ जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं? हम तो जाहिद को देंगे भाई। अच्छा, चंद्रशेखर को वोट देंगे हम तो। क्या लग रहा है चंद्रशेखर में से? चंद्रशेखर जी में क्या लग रहा है जो चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं? हमारे पार्टी का आदमी चमार है वो, अम्मी चमार हूँ। अच्छा। अम्मी दलित है भाई। अच्छा। वो भी दलित हूँ। कोई झगड़ा पगड़ा हो जाए वहाँ खड़ा हो जाओ, कोई मोमडन कोई भी खड़ा हो जाएगा जाके वहाँ। अच्छा। हाँ तो मैं सपोर्ट उसे करेंगे भाई हम तो। सपोर्ट सारे ये कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, दलित दलित ही कर रहे हैं? हम तो दलित दलित ही कर रहे हैं। दो चार घर दिंगे भग जाओ आदमी, पूरा गांव है, पूरा गांव है हमारा झोंका, तो पूरा गांव वहीं गिरेगा। अच्छा। हाँ, क्या पसंद आ रहा चंद्रशेखर में वैसे? चंद्रशेखर में क्या पसंद आ रहा? क्या क्यों भाई नहीं मारा वो? अच्छा। हाँ, और बहन जी? बहन जी, बहन जी मारी बुआ। अच्छा। तो बहन जी ना नो बताओ, बहन जी की सीट लिखड़ी अब तक बताओ लिखड़ी का कोई भी? लेकिन विधानसभा में तो जो उपचुनाव है, इसमें उपचुनाव में इनने टिकट क्यों दिया बहन जी ने? कभी उपचुनाव लड़ती नहीं थी, इस बार चुनाव पहली दफा लड़ रही वो, बताओ इनने टिकट क्यों दिया? अच्छा, लोक दल से भी है मिथिलेश पाल जी, और लोक दल और भाजपा का गठबंधन भी हुआ, तो लग रहा है इस बार उनके भी जाएंगे कुछ समाज के लोग। किंगे भाई हमारे 80 समाज के आदमी आ जाए, एक आधा कट जाए, अन्य सारे वहीं गिरे गए। अच्छा। अच्छा, 22 में कहाँ दिया था वोट? 2022 के जो चुनाव हुए थे उसमें कहाँ वोट किया था आपने? मायावती पे। अच्छा, इस बार पार्टी बदल ली? पार्टी बदल ली हमने। अच्छा, क्यों बदली इस बार? भाई हमने नू बदली, मायावती जब बोली नहीं हमारे मारे भाई हमारी खातर बोली नहीं, चुप बैठी बेचारी, बस उसे वो है नुको कदी मैं पीस जाऊं कदी। जी नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम? रामलाल भाई। अच्छा रामलाल जी, दो तो हो गए यहाँ आज के चंद से करके, एक रह गए बहन जी के, आप कहाँ जा रहे? भाई हम तो अब क्या केतली को जाके सारे केतली को। हाँ, आजाद समाज पार्टी को जी। अच्छा, और भी पार्टी है, रालोद है, समाजवादी है, बहन जी है। भाई साहब, हमने जब से अपनी वोट की चली, मायावती आई थी, हमने कोई आज तक कहीं वोट नहीं दी। अच्छा, बहन जी से अलग? हाँ, ना देवे, ना कभी दी ना देवे के। जब एक जगह हमारा खुंटा आता है, एक जगह हम खुंटे पे खड़े। अच्छा अच्छा। अब खुंटा आ गया इस तरह का, कहीं हम पिटो रहो नहीं बोलते। यो शख्स ऐसा आया सामने कि वो हिंदू हो, मुसलमान, जाट, कोई भी हो, जिस पे भी अत्याचार होता हो वो तुरंत वहाँ जाता है। चंद्रशेखर जी, इसलिए हमने बदला, अब खड़ा नहीं। अच्छा, इस बार जो है उधर रुक कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं भैया। तो उम्मीद है लड़का जो है काम करेगा, क्योंकि नगीना में भी जीता है, तो इसी वजह से लग रहा है कि यहाँ भी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल। सुनो, नीति किसी आदमी की समाज के बीच में जाने की है, परेशानी सबकी झेलने की है, तो सबके साथ है, वो सबका काम करेगा। अच्छा। ये नहीं करेगा कि भाई मैंने तुझे बगल में दे लिया और गीत तेरे गाली है। हर पार्टी कर रही इस तरह का। अच्छा चलो, मुख्यमंत्री तो नहीं बदला जाएगा, चाहे जीतो सीट या चाहे भाजपा हारो, लेकिन कार्यकाल कैसे रहे मुख्यमंत्री के? भाई सुनो, वैसे तो सही है, मगर गरीब के बारे में इनकी सोचने की शक्ति खत्म है। किसी तरह का भी गरीब आदमी को सिर्फ क्या है, 5 किलो यो अनाज दे दो और अंखों पट्टी बांध दो गरीब की, और कुछ नहीं हमारे लिए। तो वोट इस बार जो है आपका केतली को जा रहा है? सीधा केतली। जी नमस्कार जी, आपका नाम? चंद्र रास। अच्छा, चुनाव आ रहे, रालोद का गठबंधन भी होगा, इंगा समाजवादी कांग्रेस का है, बहन जी भी किल्ली रहेगी, चंद्रशेखर भी किल्ला रह गया, आप किसके साथ हो? जाहिद के साथ हम तो। जाहिद की केतली में वोट देंगे। चंद्रशेखर के साथ बस। और पहला कहाँ दी थी?
हाथी पे चले हम तो पहले हाथी में तो उतर गए केतली की चाय पी लगे हर पीनी पड़ेगी क्यों भाई वो हर जगह बोल रहा है नया लड़का सबके साथ में अकेला झगड़ा नहीं वो झगड़े में सबके में जाकर बढ़ रहे वो अपने लिए लड़ रहा है सबके लिए लड़ रहा है वो। अच्छा इस गांव में कितना वोट होगा दलित समाज में अगर बात करें? भाई 400-500 तो होंगे, 400-450 करीब। सारे एक तरफा केतली भाई, कुछ बदलाव है? नहीं ऐसा सारे तो भाई जानी करते हैं, 450 में 400 पक्के जाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ जी 50 ही कटेंगे बस, 400 पूरे जाएंगे। अच्छा एक सबसे बड़ा इशू चल रहा है सरकार में कि भाई नौकरियां नहीं मिल पा रही नौजवानों को, अग्निवीर बना दिया, प्राइवेट कर दी चीज़ें, और कह रहे भाई अगर प्राइवेट कर रहे तो आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है? रेलवे प्राइवेट कर दिया और सारी चीज़ कर दी, ये तो सबको हमें सारा खराब ही लग रहा। बस सरकारी नौकरी मिल जाती पहले, हमारे नंबर पर जाता आरक्षण, हमारे कार्ड से जा रहे, कार्ड से जा रहे, मैंने छोड़ रखा क्या? लेकिन हमारा कार्ड को रुक लग रहे। लेकिन मोदी जी तो दलितों के पैर धो रहे थे, सब धो के नहीं, कोई पैर नहीं धो रहा कोई। अन्नू कह रहे थे 400 पार आ गए तो संविधान खत्म कर देंगे। हाँ ये ऐसा भी कर सके जी, हाँ ऐसा भी कर सके, पर हम तो देने के संविधान खत्म हुए आगे बाबा बैठे ये उठ क्यों दे रहे केतली वालों को? ये सच बाबा अब से जमान इकट्ठे कर रहे हम, क्यों कर रहे आगे आगे रोकने के लिए उठ दे रहे हम, उसे उठ दे रहे हम आगे रोके, वो केला खड़ा उसके हाथ में खड़े 5-4 और भी होंगे जिसे तो इनकी हिम्मत बढ़ेगा। जब अयोध्या में मंदिर बना दे क्यों नाराज हो रहे? नहीं हमें तो नाराजगी नहीं, और हमें तो वोट राम मंदिर बन गया, वोट तो वही देनी चाह राम के नाम पे। नहीं राम मंदिर भी था और बाबरी मस्जिद भी थी, हमें जितनी ऐतराज था ना ऐतराज इस चीज को हम नहीं हम कह रहे हैं। सुनो ना तो हम राम को मानते, हम मानते हैं सिर्फ रविदास जी को, अच्छा और बाबा साहब को, हम सिर्फ उन्हें मानते हैं, ना हम राम को मानते ना हम किसी को मानते। अच्छा बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं भाई जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति थी दलित, उन्हें बुलाया नहीं, क्या ये बात ठीक है? हाँ बुलाया नहीं, नहीं बुलाए, नहीं बुला। जी नमस्कार जी भैया जी, आपका नाम? विक्रम सिंह। अच्छा यहीं से हो, गांव में से? अच्छा क्या लग रहा है दलित समाज के दर रुक कर रहा है इस बार? बता तो चंद्रशेखर के भी कर रहे हैं भाई। अच्छा हाँ यहाँ तो सारे चंद्रशेखर कर रहे हैं, बहन जी का कोई राय नहीं, एक ही रह गए बहन जी के लिए तो। अब तो एक उम्मीदवार है बस, एक कोई यही और इसे पकड़ उकड़ के वही लावा केतली पे। अच्छा ऐसे भी लोगे खींच? हाँ केतली में बटन दबाओगे भाई? हम तो केतली के भाई, ठोक कर पड़ा 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 भाई बतेरी गोली है तीज आपकी, वो खा लेगा सब को। अच्छा क्या क्या बढ़िया लग रहा चंद्रशेखर में? चंद्रशेखर में बढ़िया लड़का है, ना कर पाया है, नई उम्र का है, नया खून है। अच्छा तो इसलिए भाई जहाँ भी जा देखा एकदम कूद बैठा है मैदान में, तो वो इसलिए अच्छा लग रहा। नमस्कार भैया जी। नमस्कार जी, आपका नाम? मेरा नाम निकुल है। अच्छा यहीं से हो जी? हैं। क्या करते हो वैसे? बस यही मजदूरी वजदूरी कर ले जी। पढ़ाई नहीं कर रहे? पढ़ाई उड़ाई नहीं, पापा एक्सपायर हो गए थे पहले, मजबूरी थी घर पे पढ़ नहीं पाए। अच्छा पढ़ नहीं पाए, तो काम क्या करते हो वैसे? काम वैसे मिस्त्री के पास मजदूरी कर लेते हैं जी। खर्चा वर्चा चल जाए, इतनी महंगाई हो रही है, बस क्या करें, मजबूरी है तो क्या करना पड़ेगा। महंगाई हो रही है? नहीं हो रही, महंगाई हो रही है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है जी। अच्छा जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही क्या मजदूरी में बढ़ोतरी हो रही इस तरीके से? नहीं नहीं मजदूरी में कोई बढ़ोतरी नहीं, मजदूरी वहीं की वहीं है अभी। अच्छा सरकार कहती है कि मजदूरों के लिए हम जो है आयुष्मान कार्ड बना रहे, लेबर कार्ड बना रहे, राशन फ्री दे रहे, मकान दे रहे, तो क्या सुविधा मिल पा रही है वो सब चीज़ें? कोई सुविधा नहीं जी मिली हमें तो। अच्छा जी जो ये कह रहे हैं आयुष्मान कार्ड पर हम 5 लाख का इलाज दे रहे, वो मिला? वो भी नहीं मिला जी हमें, कोई ऐसे कोई हमें पड़ी नहीं जी, हमें कोई लोड नहीं पड़ा इस तरह की कोई। चुनाव आ रहे तो क्या देख रहे इस बार नौजवान? इस बार जो है नौजवान सारे जो है चंद्रशेखर भाई आजाद की तरफ है। अच्छा एक तरफ एक तरफ क्या पसंद आ रहा है चंद्रशेखर में? चंद्रशेखर में आप देख लो जी इतिहास उठा कर देख लो, भाई पे कितने मुकदमे होंगे अंदाजा, एक भी मुकदमा मुझे बता दो उसके लड़ाई का, उसके घर का हो, उसके आपसी मामले का हो, झगड़ा कोई मुकदमा उसके ऊपर तो मुझे बताओ। तो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं इस बार जो है? समाज की पहले से ही लड़ते आ रहे हैं। अच्छा बहन जी भी एक्टिव रहती थी लेकिन समाज जो है जो हम देख रहे हैं छोड़ता जा रहा है, मतलब तो ऐसा क्यों बहन जी को क्यों छोड़ रहे हैं? बहन जी हमें छोड़ती जा रही है, हम बहन जी को नहीं छोड़ रहे। अच्छा बहन जी हमें छोड़ना पसंद कर रही, आपके बारे में बोल नहीं रही समाज जी।
नमस्कार जी, आपका नाम? सरोज, सरोज सिंह जी। सरोज सिंह। अच्छा सरोज सिंह जी, क्या लग रहा चुनाव में इस बार, क्या देख रहे हैं? हाँ जी, क्या देख रहे हैं चुनाव में? चुनाव में कितनी देख रहे हैं जी? अच्छा केतली, सारे केतली कर रहे हैं, बस एक ये बैठे हैं बहन जी के, तो इन्हें भी ले आओ खींच का थोड़ा सा। क्या भाई, तेजाब बना दे किधर है? बिल्कुल तेजाब बन जाएगा बहन जी, बहन जी सुनो, बहन जी के पिछले कामों को ना भूलो। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे आप बहन जी को कह रहे हो, सब लोगों की शिकायत है, हम भी जगह जगह घूमते हैं कि बहन जी बिल्कुल जो है निकल नहीं रही, काफी पिछले पिछले काफी, और लोकसभा में एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2022 के चुनाव जो हुए थे उसमें सिर्फ एक सांसद, एक विधायक जीता था, तो इतना क्यों समाज जो है क्यों दूर होता जा रहा है बहन जी से, क्या कारण लगता है आपको? बहन जी चार बार मुख्यमंत्री बन चुकी, ठीक है, उसके कार्यकाल उठा कर देख लो, अब के देख लो और पिछले देख लो, बहन जी चार बार मुख्यमंत्री बन गए, एसटी समाज इतना एक्टिव हो गया था कि देर को भी निकल जाते थे कि चमार का बच्चा जा रहा, कोई किसी को छेड़ता नहीं था। अच्छा जी, दूसरी बात, चमारों की सबसे बड़ी बात क्या है, बहन जी जब तक सत्ता में रही जब तक किसी चमार के बच्चे पर उंगली नहीं उठी, बताओ बहन जी, फिर भी पुरानी पार्टी है हमारी, पुरानी पार्टी है, पार्टी से जुड़े हुए हम, पुरानी पार्टी, बहन जी जैसा कोई पार्टी बना ही नहीं सकता आज तक। वो ठीक है, बहन जी ने काफी संघर्ष किया, एक नई दिशा दी, बहुत सारी चीजें की, लेकिन पिछले टाइम से वो निकल नहीं रही, ऐसा क्यों हो रहा है क्या? क्योंकि बहुत सी जगह कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई उसका डर है, CID का डर है, उसका डर है। एक बात बताओ, समुद्र में रह गया मगर मैं इससे प्यार नहीं होता, जो बीजेपी पार्टी है वो बड़ी है, अगर जो मायावती बोल ले कि उनके खिलाफ उसकी आवाज़ दबा देते हैं, उठने नहीं देते मायावती की पार्टी, ठीक है जी, इसलिए वो चुप है, इसीलिए चुप है वो, पर लेकिन उठेगी, बोलेगी, जरूर बोलेगी। हाँ, आपको उम्मीद है कि भाई? पूरी उम्मीद है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आपका नाम? रामपाल। अच्छा, यहीं से हो, गाँव में से? हाँ, बाहर से ही। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा चुनाव में? सारे यहाँ तो केतली केतली कर रहे, एक ये है बस बहन जी के, आप कहाँ देख रहे हैं? वही देख रहा है, मैं भी केतली। चाय पियोगे? हैं, चाय पियोगे? हाँ, चाय पियोगे। क्या लग रहा है कि क्या, आप क्यों पसंद आ रहे हैं? आ रहे भाई, सबको देखना चाहिए एक एक बार, अब केतली को देख रहे। बहन जी को कितनी बार देख लिया? कई बार देख लिया उसे, तो उसे तो मुख्यमंत्री बना दी थी हमने, तो फिर अब क्या नाराजगी हो रही है? जाऊंगा नहीं, जा रहे हैं, नाराज हो रही है, अब कैसे देखेंगे जब वो बोलती नहीं। अच्छा, बुढ़िया वाली जवान लमड़ा जोश नहीं आता उसे, अब जब बुढ़िया को। अच्छा, तो बुढ़ी हो गई। अगर उसके वो अपने बाद आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, क्या समाज फिर उस तरफ चला जाएगा? हाँ, चला जल जाएगा, जाना क्यों नहीं। बाप भगा अगर बिगड़ कर सुधर जा तो फिर भी बाप के उधर चले जा। बाकी पार्टी भी है, रालोद है, समाजवादी है, और जो है और कोई? अच्छा, उन्हें नहीं, किसी को नहीं। मेरा नाम वसीम अकरम है। अच्छा वसीम अकरम जी, हम यहाँ समाज से बात कर रहे थे जी, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? चुनाव में मैं गांव सिंकरी से ही हूँ, मेरा पूर्व विधानसभा से, तो रुझान जो है ज़्यादातर जो है चंद्रशेखर की ही तरफ जो है लोगों का रुझान है। अच्छा, क्योंकि हिंदू हिंदू मुस्लिम एकता जो है ना वो एक साथ होके चलेगी, क्या नाम जो है, तो जब ये इसी सीट पे कामयाब होंगे लोग। अच्छा, पिछली बार कहाँ वोट किया था आपने जी? हमने पिछली बार हमने पिछली बार जो वोट किया था, हमने चंदन की जो घर जो चंदन भाई थे, हमने उन्हें सपोर्ट किया था जी। इस बार क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? क्योंकि वो तो मिथिलेश पाल जी के समर्थन में जो है चुनावी रैली कर रहे हैं। नहीं, कर तो रहे हैं, मगर मिथिलेश पाल जी को क्या नाम जो है, इस टाइम जो है जनता जो है उनका रुझान नहीं है जनता का उनकी तरफ जो है। अच्छा अच्छा जी, लेकिन जब गठबंधन टूटा तो कैसा लगा लोगों को यहाँ पर, जब गठबंधन जो है सीधा रालोद जो है NDA की तरफ चली गई, क्योंकि मुस्लिमों ने दबा के वोट किया था रालोद को यहाँ से, तो उसके बाद क्या दोबारा से लगाया कि भरोसा उधर जम जाएगा? भरोसा है, क्योंकि ऐसा है अब तक जो है निर्णय जो है अब तक लोगों में यह है कि 11 तारीख तक देखना है कि क्या है। मुस्लिम समाज में जितनी भी मीटिंग चल रही है, चाहे वो झोजा बिरादरी हो, अंसारी हो, कुरेशी हो, तो उनमें यह है कि हमें 11 तारीख तक देखना है कि किधर रुझान है। जिधर भी रुझान होंगे कहने लगे उधर एक तरफा हम जो है वोटिंग करने के बाद में जो है, और एक इससे पहले जो है क्या नाम मौलाना जमील साहब को जो है मैं बहुजन समाज पार्टी से जिताया था, तो उसमें जो है क्या नाम मुसलमान और हिंदू एकता जो थी, क्या नाम जो दलित थे, हरिजन भाई थे, वो एक साथ होके चले थे जी। हम अभी रुड़कली फतेहली गांव में थे, यहाँ पे हमने जो है दलित समाज के लोगों से बात की, तो ज़्यादातर रुझान जो है आज़ाद समाज पार्टी की तरफ है। इनका कहना है कि भाई इस बार जो है हम जो है आज़ाद समाज पार्टी को वोट देंगे। जुड़े रहे CCUP से, खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।